नमस्कार, अभी हम आज रजत बायोटेक में आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हमने कुछ न्यू वैरायटीज, कुछ नए रूट स्टॉक इंपोर्ट कराए हैं यूएसए से, कैलिफोर्निया से। तो मैं वो आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। जैसे ये वॉलनट है, ये अखरोट वॉलनट की वलाच रूट स्टॉक है, जो इसके हमने टिश्यू कल्चर के इनविट्रो इंपोर्ट किए हैं। विद मैं इसका पेपर वर्क भी दिखाऊंगा आपको। और साथ में ये एलमंड का रूट स्टॉक हैंसन, तथा ये रूट स्टॉक पलम और पीच और एप्रिकॉट के लिए भी यूज होता है। ये प्रोनस इसको बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम प्रोनस है। और एप्पल में भी कुछ सीरीज है, जैसे हमारे यहाँ अब M9 के बदले M9T337 तथा M9NIC29 और साथ में जिनेवा सीरीज। ये लेटेस्ट ट्रेंड जो M सीरीज के बाद जो जिनेवा सीरीज आई है, उसके भी हमने कल्चर इंपोर्ट कराए हैं। तो कल्चर क्या होता है कि अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, मान लो ये एक कल्चर आ गया है, तो एक ट्यूब में एक ही प्लांट है। वैसे हमारे पास ये लगभग 100 ट्यूबें आई हैं, जिसमें 7-8 प्रकार के नए स्ट्रेन हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हम हजारों लाखों प्लांट्स बना सकते हैं। टाइम ये लेगा थोड़ा, कि कम से कम अगले साल तो नहीं, या अभी 2021 20 अप्रैल है आज, तो ये अबाउट 2023 जनवरी में मार्केट में ये सेल के लिए तैयार होके आएगा। तो ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। तो ये हमारी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का R&D रूम है, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है कोई नए कल्चर, कोई नई वैरायटीयां। जैसे पियर में हमने बहुत अच्छी एक रूट स्टॉक मंगवाया था, इम्पोर्ट किया था, जो जैसे हमारे को पियर में क्वींस वगैरह पहले रूट स्टॉक होते थे, तो उनको हार्डी ग्राफ्ट करना पड़ता था पहले, उसके बाद वैरायटी लगानी पड़ती थी। लेकिन ये जो रूट स्टॉक नया आया है, इसमें कुछ भी इंटरस्टॉकिंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंगल एक ग्राफ्ट, जैसे आप कार्बन, पैकम, एपेटेफेट्रल, कोई सी भी कॉन्फ्रेंस वैरायटी, उसके ऊपर डायरेक्ट ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बहुत जल्दी एप्पल में जिनेवा सीरीज और NIC T29 M9 T29 प्लस M9 T337 और बहुत जल्दी इंडिया में जो पहली बार इंपोर्ट हुआ वॉलनट टिश्यू कल्चर हाइब्रिड वलाच और साथ में एलमंड और पीच और पलम का रूट स्टॉक, ये सब हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। तो अभी इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, थोड़ा लेबोरेटरी भी हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू। नमस्कार बागवान भाइयों, अभी हमने आपको कल्चर बोतल दिखाए, जो हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करवाए हैं। तो आपको ये मैं रजत बायोटेक की तरफ से बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने जो इंपोर्ट कराया है, तो मुश्किल तो काफ़ी हुआ, काफ़ी डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होते हैं। पहले प्लांट क्वारंटाइन एप्पल के लिए, उसके बाद प्लांट क्वारंटाइन के लिए परमिशन लेनी पड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उसके बाद ये हमारा एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है, ये तो सबको लेना ही पड़ता है। साथ में ये तो इनवाइस है, और ये यूएसए से जो डॉक्यूमेंट आए हैं, यूएसए से सबसे मेन है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जिसमें फाइटोसैनिटरी में कि ये जितना भी रूट स्टॉक है वो, या जो भी कल्चर वहाँ से 100 कल्चर आए हैं, तो सारे के सारे वायरस फ्री हैं, कौन कौन से वायरस से फ्री हैं, क्या क्या इसके करेक्टर क्वालिटीज़ हैं, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन कि ये
इसका ओरिजिन क्या है, ये जो कल्चर आए हैं उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से सोर्स क्या है, तो ये भी सब डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं। उसके बाद ये वायरस फ्री टेस्ट मटेरियल आता है, स्वाइललेस आता है, इन विट्रो मीडिया के अंदर आता है, बोतल के अंदर। उसके बावजूद भी इसको रिलीज करवाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्लांट क्वारंटाइन विभाग ने पूरी हिस्ट्री लिख दी, क्योंकि वॉलनट जो था वो वॉलनट टिश्यू कल्चर प्लांट इन विट्रो इम्पोर्टेड फ्रॉम USA विच इज नॉट लिस्टेड इन एनी शेड्यूल ऑफ प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के ऑर्डर में ये नहीं लिखा गया था कभी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम नहीं था शायद वॉलनट टिश्यू कल्चर। दिस इज द फर्स्ट टाइम केस, ये फर्स्ट टाइम केस ऐसा इंडिया में हुआ जो वॉलनट के टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक आए। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लग गया इसको रिलीज कराते, लेकिन और उसके बाद इसके हमें वायरस इंडक्शन, जैसे हम एप्पल MM सीरीज की ये वायरस इंडक्शन करवाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर प्लांट से सर्टिफिकेशन तभी रहती है अगर हमें ये वायरस इंडक्शन के टेस्ट करवाने पड़ते हैं सभी। और अब ये हमें ये कल्चर बोतल हमारी लेबोरेटरी के अंदर मल्टीप्लाई भी होंगे, तथा जिस क्वारंटाइन विभाग ने हमें परमिशन दे रखी है वो क्वारंटाइन विभाग एक साल तक इसको 2-4 बार आकर के चेक करेगा। प्रॉपर चेक होने के बाद उसके बाद ये वायरस फ्री होगा, ये टेस्ट कराए जाएंगे, उसके बाद ये फील्ड में जाएगा। फील्ड में ये इसको 2 साल तो लगेंगे बनते बनते, कम से कम 2 साल के बाद ये प्लांट सेल के लिए मार्केट में आएंगे। लेकिन हमारे बागवानों को क्या रहेगा, जो मटेरियल आप USA से मंगवाते थे, जैसे M9337 या M9NIC29 या वॉलनट का रूट स्टॉक है, ये वलाच वैरायटी है, वलाच एक रूट स्टॉक है, या एलमंड का या पलम का या आड़ू का जो रूट स्टॉक है या पियर का जो रूट स्टॉक है, जैसा हमें USA से मिलता था वैसा सेम हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको रजत पैठक में मिलेगा। जो नर्सरी मैन है वो बल्क में रूट स्टॉक ले सकते हैं और खुद उसको एक्सबिट्रो क्लोनिंग फील्ड में ट्रांच लेयरिंग या माउंट लेयरिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसान बागवान रूट स्टॉक लेके उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या हम भी ग्राफ्टेड प्लांट बना करके देते हैं। तो इसमें मेजर है, पहले हम MM सीरीज एमला सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे, अब जिनेवा सीरीज भी आ गई, तो इसमें हमने जिनेवा सीरीज के भी कल्चर इंपोर्ट किए हैं, साथ में M9T337 जो लेटेस्ट स्ट्रेन है कि उसमें भी हमने ये कल्चर इंपोर्ट किए हैं, T29। तो बहुत सारे क्या है कि हमारे जैसे कश्मीर के बागवानों को मैं बताना चाहूँगा कि जो वॉलनट अखरोट के जो पुराने पेड़ या बादाम के जो पुराने पेड़ अभी हमारे ख़राब हो रहे थे, तो उनके लिए ये एक रामबान का काम करेंगे, ये रूट स्टॉक आप उनकी जगह लगा सकते हैं रीप्लांटेशन में। तो मैं उसके बाद आपको लेबोरेटरी भी विजिट कराऊंगा कि इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे ये एक कल्चर से बहुत सारे कल्चर बनते हैं और उसके बाद ये बहुत सारे प्लांट्स। से निकलने के बाद टिश्यू जब रूटिंग में पड़ने के बाद यहाँ आता है और ये प्राइमरी हार्डिंग सेक्शन है हमारा, इसको प्राइमरी हार्डिंग चैम्बर बोलते हैं, जो पॉलीकार्बोनेट सीड से बना हुआ, जिसको टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और ये हाइजेनिक कंडीशन में यहाँ पे रखा जाता है। तो ये है प्राइमरी हार्डिंग, इसके बाद ये जाएगा सेकेंडरी हार्डिंग में, फिर जाएगा ये खेत। ये सब एप्पल के प्लांट्स आप देखते हैं। हम आपको लेके चलते हैं फील्ड की ओर, तो ये खेतों में हम आपको दिखाएंगे कैसे हम प्लांट्स नर्सरी का पार्ट जो है